हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स की बात की, एक मैकेनिकल की भी बात की, जैसे गियर कैसे काम करता है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्टों में आपको जनरली BDI लगा रहता है कर्टिस का, लेकिन वो कर्टिस का BDI जो DC कंट्रोलर हम लगा रहता है ना, उसकी आज हम बात करेंगे। DC कंट्रोलर हम जो BDI लगा रहता है, उस BDI में क्या होता है, 8 पिन का BDI रहता है। 8 पिन का BDI होने से क्या होता है, उसमें हम लोग को एक मेन फंक्शन होता है हाइड्रोलिक कट ऑफ का। मेनली हम लोग हाइड्रोलिक कट ऑफ के लिए यूज करते हैं। देखिए, ये जो BDI है, ये BDI जनरली आपको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यही वाला BDI आप लोग देखते होंगे जो DC कंट्रोलर में होता है। इस BDI का मॉडल नंबर है, देखिएगा, B803। B803 मॉडल के BDI के बारे में आपको बताएंगे, इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसमें बैटरी डिस्चार्ज का सेटिंग भी होता है, वो कितने पे आप कैसे क्यों कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको करेंगे। लेकिन दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर होता क्या है कि इसमें 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है, देखिए मैं तीनों फंक्शन को अलग अलग समझा दूंगा। ये पहला फंक्शन जो होता है, ये बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेशन, एक्चुअली यही है, इतना ही है फंक्शन। ये बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेशन मतलब ये फुल इसमें लाइट जलती रहेगी, मतलब लास्ट में ग्रीन तक गई रहेगी, तो आपको फुल चार्ज है, और जितना कम लाइट इसमें जलेगी उतना कम चार्ज है, ठीक है। लास्ट होते होते रेड भी हो जाते हैं, बीच में येलो भी होता है। इस तरह से जितना कम लाइट जलेगा उतना कम चार्ज है। इसके नीचे जो डिस्प्ले है, ये वाला डिस्प्ले जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपको दिखाएगा HMR, गाड़ी को आपने कितनी देर ऑन करके रखी है, वो इस डिस्प्ले में आपको 7 सेगमेंट में दिखाएगा कितना देर तक चला है। जितना रीडिंग आ रहा समझिए उतने घंटे गाड़ी चालू रही है। आपको 78.2, 280.9 ऐसा कुछ रीडिंग आएगा, जो भी आपका जो गाड़ी चला होगा उसका रीडिंग आएगा। तीसरा एक फंक्शन इसमें है, इंटरनली है, ये आपको हाइड्रोलिक का कट ऑफ करता है। एक लिमिटेड वोल्टेज कम होने वाला, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हुई तो आपको हाइड्रोलिक फंक्शन को ऑफ कर देगा। तो उस वो फंक्शन इसके इनबिल्ट है, वो फंक्शन आपको पॉइंट नंबर 3 में दिएगा, पिन नंबर 3 में आपको बता दूंगा डिटेल। तो ये 3 फंक्शन है, एक हुआ आपको BDI इंडिकेशन, बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेशन, दूसरा हुआ HMR रीडिंग, और तीसरा हुआ हाइड्रोलिक कट ऑफ। ये 3 फंक्शन है। तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपको पहला इसका कनेक्शन कैसे करना है। आप फंक्शन तो समझ गए, इसका काम तो समझ गए, 3 तरह का काम है, लेकिन इसका कनेक्शन कैसे करना है वो आपको समझना चाहिए। उससे पहले ये आपको बता दूँ, इसमें हाइड्रोलिक का कट ऑफ क्यों दिया गया। BDI जो हमारा डिस्चार्ज इंडिकेटर में, वो तो ओके है, वो समझ रहे हैं कि भाई बैटरी कितना चार्ज है अपने को दिख रहा है, नहीं चार्ज है दिख रहा है। HMR रीडिंग तो समझ में आ रहा है, चलो कितने घंटे गाड़ी चली वो अपने को पता चल रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये हाइड्रोलिक कट ऑफ की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि बहुत लोग को पहले से पता होगा कि मैंने बहुत वीडियो में बताया कि हाइड्रोलिक कट ऑफ की जरूरत क्यों पड़ती है ज़्यादा वोल्टेज कम होने से फोर्कलिफ्ट में, बैटरी में। लेकिन आज मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका मैं प्रॉपर इसी का वीडियो है, इसलिए आपको इसमें डिटेल में समझा देता हूँ। वोल्टेज जो बैटरी का जो वोल्टेज रहता है ना, एक लिमिटेड वोल्टेज के बाद उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा डिस्चार्ज होने से क्या होता है, उस बैटरी का लाइफ साइकिल बहुत तेज़ी से कम होता है। एक लिमिटेड डिस्चार्ज के बाद उसको आपको फिर से चार्ज करके यूज करना चाहिए। तो होता है क्या, कुछ अभी आजकल के जो बहुत सारे ऑटोमेटिक चार्जर ऐसे आ रहे हैं, लिमिटेड डिस्चार्ज से ज़्यादा नीचे हो गया तो आपको वो बैटरी चार्ज ही नहीं करेगा, वो चार्जर चार्ज नहीं करेगा। उसको इक्वलाइजिंग मोड में डाल के चार्ज करिए, या फिर कोई मैनुअल चार्जर से पहले चार्ज करिए, या फिर पर सेल वोल्टेज आप चार्ज करके उसको अप करिए, उसके बाद फिर उस चार्जर से चार्जिंग स्टार्ट होगा। तो ऐसा कंडीशन लग जाता है, या तो चार्जर ही उस बैटरी पे नहीं काम करेगा, और बैटरी भी चार्जर बैटरी पे काम कर भी रहा है तो भी आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल वो तो ख़राब हो रही है, यदि जरूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं तो। और बैटरी का तो पता है, जो आपका दाम होता है उसका प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है। यदि एक बार बैटरी ख़राब हो गई पूरी तरह से और आपको रिप्लेस करनी पड़े, समझिए कि बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब बैटरी ख़राब होने की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, मतलब बैटरी कम से कम ख़राब हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए, आदमी तो ध्यान देगा नहीं, जब तक गाड़ी चल रही तब तक चलाएगा। तो ये क्या मशीनों में ही ऐसी फिटिंग कर दी गई, सेटिंग कर दी गई है कि आपको आदमी को चलाने नहीं देगा उस बैटरी को जरूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज करने पर। AC कंट्रोलरों में या फिर कुछ अलग टाइप के स्पेशल कंट्रोलरों में क्या है, कंट्रोलर के अंदर में ही इनबिल्ट बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेशन लगा रहता है, और उसके थ्रू हाइड्रोलिक कट ऑफ होता है। बट DC कंट्रोलरों में, और मोस्ट ऑफ मैक्सिमम DC कंट्रोलरों में, आपको इस तरह का BDI लगाना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको हाइड्रोलिक कट ऑफ होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे हम बताते हैं कि आपको ये इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। बेसिक चीज़ यही है, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। मैक्सिमम लोग इससे अवेयर होंगे कि आखिर BDI का काम क्या है, और क्या कैसे क्यों लगाते हैं, और किस लिए। हालांकि मैंने ऑन एन एवरेज सबको एक बात बता दी, ताकि जो जानते होंगे ठीक है, जो नहीं जानते उनकी भी जानकारी बढ़ जाएगी।
तो देखिए इसमें कनेक्शन क्या होता है। कनेक्शन होता है एक, सपोज मानिए कि एक BDI है, BDI के पीछे जो है ना देखिएगा ये 8 पिन, ये कनेक्टर लगा हुआ है, मैं खोल देता हूँ, 8 पिन है, गिनिएगा 3 नीचे 4 नीचे 4 ऊपर, 8 पिन है, 8 पिन है, उसमें एक ये कनेक्टर लगता है, कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा 1 2 3 4, तो ये जो लॉक है ये मैंने लॉक ऊपर बनाया है, ये जो लॉक है ना समझिए ऊपर है, तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4, लेफ्ट से लॉक ऊपर है तो राइट साइड से 1, राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर से काउंट होगा 1 2 3 4, फिर राइट साइड में ऊपर वाले कॉर्नर में जाएगा 5 4 5 6 7 8, समझ गए, ऐसे काउंट होगा, देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट होगा, ये ऐसे नहीं काउंट होगा, ऐसे नहीं काउंट होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे काउंट होगा, मतलब काउंट कैसे होगा बताए, ऐसे जाके ये ऐसे जाके, सॉरी देखिए काउंट कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे काउंट होगा, ऐसे काउंट होगा, काउंटिंग इस तरह से होगी, एक यहाँ पे रहेगी, 8 यहाँ पे रहेगी, 4 यहाँ पे रहेगी, 5 यहाँ पे रहेगी, ऐसे काउंट होगा इसका, ये बात का ध्यान रखिएगा काउंटिंग में एकदम जरूर से जरूर, इसको लॉक बोलते हैं, लॉक का यहाँ पे नॉच भी बोलते हैं, लॉक समझिए, ऐसे काउंट होगा, इस बात का बहुत ध्यान रखें, कोई भी कंट्रोलर का भी कनेक्शन होगा ना जो आपको 1244 से किसी भी कंट्रोलर में कनेक्शन का काउंटिंग इसी तरह से होगा, इस बात का बहुत खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, 8 पिन हमने बना ली, 8 पिन हमने बना ली, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, 4 5 6 7 8, 8 पिन हो गए। अब समझते हैं ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 में कौन कौन सा कनेक्शन और क्यों लगेगा, पहले समझते हैं। 1 नंबर फ्री रहेगा, देखिए दोस्तों 1 नंबर का हम भी ध्यान नहीं दिए ज़्यादा, 1 नंबर का कोई काम नहीं अभी तक हमने कभी यूज नहीं किया और जरूरत भी शायद आपको नहीं पड़ेगी और मुझे भी ठीक से ध्यान नहीं कि 1 नंबर का काम क्या है, ठीक है। अब हम लोग जो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ये 2 नंबर, ये देखिए 2 नंबर से वायर निकला और ऊपर 6 5 1 6 6 नंबर है ना, 2 नंबर और 6 नंबर को शॉर्ट कर दिया गया है। अब 2 नंबर और 6 नंबर को शॉर्ट करने का रीजन क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 नंबर जो होता है आपको BDI के लिए होता है और 6 नंबर जो होता है HMR के लिए होता है, समझ गए, BDI और HMR दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन को यदि एक्टिवेट करना 2 और 6 दोनों में आपको पावर देना पड़ेगा। तो 2 और 6 में जो पावर है की स्विच से निकलने के बाद जो पावर आएगा वो आपको 2 और 6 नंबर में देना है। 10 एम्पियर का फ्यूज कंपलसरी है, 10 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। 2 और 6 नंबर में जो पावर शॉर्ट करके जाएगा आपको की स्विच से जाएगा, प्लस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 और 6 नंबर में जो पावर है की स्विच से निकल के प्लस जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, ये 3 नंबर है, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर जो है हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर के लिए आउटपुट है, ये 3 नंबर में ही है जो कि बैटरी डाउन होने के बाद कट ऑफ होता है, पावर कट जाता है, तो 3 नंबर से ही आपको हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर में इनपुट देना है। 3 नंबर में एक बात का ख्याल रखिएगा, ये माइनस आउट करता है, ठीक है, ये वाला 3 नंबर जो है माइनस आउट करता है, तो हमको दूसरा प्लस चाहिए, तो दूसरा प्लस जो आपको की स्विच से आएगा, की स्विच से भी आके में बीच में कनेक्शन होता है, जनरली लिमिट स्विच का कनेक्शन होता है, ये सब अलग अलग होता है, जैसे हाइड्रोलिक का फंक्शन करना है तो लिमिट स्विच का कनेक्शन होता है, तो आपके हिसाब से आप कनेक्शन कर लीजिए, लिमिट स्विच का रहेगा आपका, लिमिट स्विच है अप डाउन का, लिमिट स्विच का रहेगा आपका, टिल्ट का रहेगा, ये सारी चीजें हो सकती है, आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बेसिक डायग्राम यही है कि आपको 3 नंबर से निकल के कॉन्ट्रेक्टर, हाइड्रोलिक कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में जाएगा, हाइड्रोलिक कॉन्ट्रेक्टर का कॉइल मैंने लिख दिया है, और उसमें जो दूसरा पॉइंट है हाइड्रोलिक कॉन्ट्रेक्टर का कॉइल में, वो प्लस से आएगा, प्लस की स्विच से आएगा, ठीक है, ऐसा है। अब आते हैं 4 नंबर में, ध्यान रखिएगा 3 नंबर जो पॉइंट है उसमें माइनस आउट होता है, जनरली लोग कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि 3 नंबर से प्लस आउट हो रहा है, नहीं दोस्तों, 3 नंबर से ओनली माइनस आउट होगा, और माइनस आउट हो गया तो कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में माइनस तो आ गया, अब दूसरा हमको प्लस चाहिए ना कि माइनस चाहिए, तो दूसरा आपको प्लस की स्विच से लेके लिमिट स्विच, लिमिट स्विच जो भी बीच में लगाना हाइड्रोलिक का वो लगेगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा। यदि लिमिट स्विच लगा दिए तो हाइड्रोलिक का लिमिट स्विच जैसे दबेगा हाइड्रोलिक कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा और मशीन चालू हो जाएगा, हाइड्रोलिक फंक्शन चालू हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये 4 नंबर और 5 नंबर, ये 4 और 5 नंबर जो है ये आपको माइनस का है और ये सीधा बैटरी से जाएगा, इसमें किसी चीज़ का इंटरप्शन नहीं होगा, देखिएगा सीधा यहाँ बैटरी से उठा है, 4 और 5 नंबर को हमने शॉर्ट कर दिया है और कनेक्शन लगा दिया, तो 4 और 5 नंबर में सीधा बैटरी से जाएगा बिना किसी स्विच के, बिना किसी इंटरप्शन के। अब समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 नंबर और 8 नंबर, ये समझने का चीज़ है, कुछ लोगों को पता होगा, मेरी सारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, पूरी तरह से समझ के देखते हैं,
कुछ लोगों को पता होगा ये 7 नंबर खाली क्यों है, 8 नंबर में क्यों लगा है, 7 और 8 नंबर का मतलब क्या होता है। तो देखिए 8 नंबर का मतलब ये होता है कि यदि आपकी बैटरी बड़ी वोल्टेज की मतलब दो, यदि सपोज मानिए ये जो BDI है 2 वोल्टेज रेंज के लिए बनी है, मान लीजिए कि ये BDI 24 और 48 वोल्ट 2 तरह के वोल्टेज के लिए बनी है, तो उस कंडीशन में यदि 48 वोल्ट की बैटरी में आप BDI को लगा रहे हैं तो 8 नंबर पिन में लगेगा, और 24 वोल्ट की बैटरी में लगा रहे हैं BDI तो वो 7 नंबर पिन में लगेगा। मतलब ये अपर वोल्टेज रेंज के लिए, ये लोअर वोल्टेज रेंज के लिए, समझिए। यदि BDI यूनिवर्सल है तो, यदि BDI फिक्स वोल्टेज का है तो आपको 7 नंबर पिन में कोई कनेक्शन नहीं करना, 8 नंबर पिन में ओनली कनेक्शन रहेगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, यदि BDI में 2 तरह का वोल्टेज रेंज लिखा है तो मेरे हाथ में जो BDI है वो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 24 वोल्ट 48 वोल्ट, मतलब ये BDI जो है इन्वर्सल है। इन्वर्सल मतलब 2 तरह का BDI है, 2 तरह का वोल्टेज रेंज पे ये काम करेगा। लेकिन एक ही पॉइंट पे दोनों तरह का वोल्टेज रेंज लगाएंगे तो BDI को क्या पता चला कितने वोल्ट की बैटरी है, कैसे डिटेक्ट करेगा कितना वोल्टेज अब आ गया, अब कट ऑफ होना है। तो आपको इसके लिए सिलेक्शन दिया है। देखिए अपर का मतलब 8 है तो इसमें 2 तरह का है वोल्टेज रेंज, 24 वोल्ट 48 वोल्ट। इसमें अपर क्या है 48 वोल्ट है, लोअर क्या है 24 वोल्ट है, ठीक है। तो लोअर में 7 नंबर पिन रहेगा, अपर में 8 नंबर पिन रहेगा, समझ गए। यदि 48 वोल्ट की बैटरी में लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 नंबर पिन में कनेक्शन होगा, यदि 24 वोल्ट की बैटरी में लगा रहे हैं तो 7 नंबर पिन में कनेक्शन होगा। ये मत समझेगा 24 और 48 के लिए ही अप्लीकेबल है। कोई कोई BDI क्या होता है 36 और 48 रहता है, तो इसमें लोअर ये 36 हो गया और अपर 48 हो गया, तो ये 7 नंबर पिन है जो 36 वोल्ट के लिए लगेगा, 8 नंबर पिन है जो 48 वोल्ट के लिए लगेगा। ऐसे 72 आता है, 36 72 आता है, 48 72 आता है, अलग अलग तरह के BDI आते हैं। तो जो उस BDI में जो कम वोल्टेज वाला पिन रहे यदि बैटरी के साथ यूज कर रहे हैं तो 7 नंबर पे लगेगा, और उस BDI में ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी के साथ यूज कर रहे हैं जो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज की रेंज बताई गई है तो आपको 8 नंबर पिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आप समझ गए, समझ गए होंगे, मुझे लगता है। नहीं समझे होंगे तो आप फिर से रिपीट करके ये वीडियो देखिएगा, आप जरूर समझ जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक और किसी वीडियो में आपको कवर करके आपको उस तरीके से बताऊंगा जिस तरह से आपको समझने की जरूरत हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम समझते हैं कि देखिए इतने सारे मैंने कचड़े क्या लिख रखे हैं, ये बोलिए इतना सारा कचड़ा ये मैंने क्यों लिख रखा। अब ये मत सोचिएगा मैंने पहले से लिख के रखा तो मतलब कुछ और बात है, ये मैंने पहले से सिर्फ इसलिए लिख के रखता हूँ कि पहले जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था ना, तो वीडियो बनाता मतलब सारी डायग्राम सारी चीज़ें लिखते जाता था, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें मतलब मिक्स हो जाती थी, कुछ चीज़ें अजीब तरह से लिखने में भी जल्दी के चक्कर में कुछ चीज़ें जल्दी में लिख देते थे, वीडियो भी बहुत बड़ा बिना मतलब का हो जाता था। तो उसके अगेंस्ट में मैंने ये आपको पहले से लिख के रखा ताकि लिखने वाला टाइम है जो कम हो जाए, और बार बार वो इंटरप्शन ना आए, मैं लिख रहा हूँ तो आप सिर्फ देख रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा कुछ, तो चीज़ों के लिए। अब देखिए BDI में ये जो चीज़ें हैं KL MNOP QR ST U तक आए U, ये जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ, ये डिस्चार्ज वोल्टेज सेटिंग के लिए, डिस्चार्ज वोल्टेज सेटिंग के लिए है, डिस्चार्ज वैल्यू एडजस्ट करने के लिए। ये डिस्चार्ज वैल्यू एडजस्ट किस लिए करना है, आपको हाइड्रोलिक कट ऑफ के लिए, कि हाइड्रोलिक कट ऑफ कितने पे आपको करना है, एक वोल्ट बैटरी में कितने वोल्टेज पे आपको हाइड्रोलिक कट ऑफ करना है, उसके लिए सेटिंग है। देखिए बाय डिफॉल्ट आता है 1.73 वोल्ट एक सेल, ये जो है जो भी चीज़ें हैं ना ये पर सेल वोल्टेज काउंट करेगी, ये पर सेल वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा पर सेल वोल्टेज है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायग्राम आपको बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा, पग पग पे काम आएगा, ध्यान रखिएगा, या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये पर सेल वोल्टेज बता रहा है, पर सेल वोल्टेज मतलब क्या, यदि कोई बैटरी 48 वोल्ट की है तो उसमें 24 सेल होंगे, 24 सेल में से एक सेल का वैल्यू इतना हुआ तो हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा, इतना हुआ तो हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा, जितने पे सेटअप करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट यदि आपने कुछ भी नहीं किया उस BDI में छेड़छाड़, तो बाय डिफॉल्ट 1.73 वोल्टेज पर सेल पे आते ही हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा। यदि आपको जरूरत है किसी कारण से कि आपको 1.57 पे सेट करना है, 1.93 पे सेट करना है, तो BDI में एक पॉइंट है सेटिंग के लिए बैटरी डिस्चार्ज आपको एडजस्टमेंट के लिए, ये वाला देखिए डिस्चार्ज लिखा हुआ है नीचे, इसमें एक पतला स्क्रू ड्राइवर लगाने का जगह है, उसको आप लगा के घुमा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको N पे मिलेगा, आप चाहें तो बैटरी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, अभी बोलिएगा इसकी क्या ज़रूरत है। तो आपको ये हो सकता है
कि आपको जल्दी कट ऑफ करना है या फिर बैटरी को ज्यादा डिस्चार्ज करना है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो चीज करनी पड़ सकती है। हो सकता है आप क्योंकि ये होता क्या कि हम लोग लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं कभी कभी, आपको क्या कहते हैं लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, तो उस केस में आपको अलग अलग सेटिंग चाहिए। कभी कभी ड्राई सेल यूज करते हैं तो थोड़ी बहुत सेटिंग चाहिए आपको बैटरी की मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए। लेकिन यदि बाय डिफॉल्ट ये भी है कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन यदि मैक्सिमम यूज आपको बैटरी का करना है तो बैटरी के हिसाब से, बैटरी की क्वालिटी के हिसाब से आपको इन ये जो बैटरी डिस्चार्ज का है वैल्यू आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बैटरी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। बहुत बार होता है क्या, कुछ बैटरियों में क्या आदि आपको हो सकता है ज़्यादा डिस्चार्ज बार बार नहीं करनी है, तो 1.93 पे सेट कर दीजिए, यू 1.93 वोल्टेज पर सेल रहेगा तो यू पे सेट कर देना है, घुमा के यू पे ले जाए, जब तक 1.93 पे आ जाएगा फट से कट ऑफ हो जाएगी। आपको लग रहा है ऐसा कि बैटरी को नहीं हमें ज़्यादा यूज करना है, थोड़ा कम देर यूज कर पा रहे हैं और हाइड्रोलिक कट ऑफ हो रहा है, तो आप 1.57 वोल्टेज के लिए आपको के सेलेक्ट के पे ले जाकर घुमा के रख देना है। तो आपको जब तक बैटरी का एक सेल का वोल्टेज 1.57 नहीं होगा तब तक वो हाइड्रोलिक कट ऑफ नहीं होगा। अब देखिए ये क्या चीज़ है, एक और चीज़ समझा देता हूँ। होता क्या है ये 1.57 वोल्टेज क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज बैटरी के एक सेल का वोल्टेज को 2.2 हम बताएं, बहुत सारी वीडियो में बताएं, आज भी बोल देता हूँ बैटरी के एक सेल का लेड एसिड बैटरी के एक सेल का वोल्टेज, जो हमारे फोर्कलिफ्टों में लगी रहती है सभी बैटरी है उसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, उसका एक सेल का वैल्यू होता है 2.2 वोल्ट। तो ये जो 1.57 पे कट ऑफ क्यों होगा, 2.2 से नीचे आया, 2.0 पे आ गया लगभग, तो मान लेके जीरो हो गए मान के चले तो। लेकिन ये 2.2 वोल्ट जो है ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, हम लोड पे नहीं, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब इसमें कोई लोड नहीं दिया हुआ तो ये वोल्टेज काउंट होगा। यदि आपने इस पे लोड दे दिया तो इसका 20% माइनस हो जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों ये होता है, ये मैं बता रहा हूँ कि एक बैटरी के एक सेल का वोल्टेज 2.2 होता है ये, लेकिन ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, जब हमने इसका कोई लोड नहीं दिया, हाइड्रोलिक मोटर नहीं चलाया, ड्राइव मोटर नहीं चलाया, सिर्फ गाड़ी में लगी है तो 2.2 वोल्टेज काउंट होगा, या फिर बैटरी से गाड़ी से कनेक्शन निकाल दिए तो 2.2 वोल्टेज काउंट होगा फुल चार्ज में। लेकिन जब लोड पे आता है, गाड़ी यदि लोड पे हम चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो लोड के साथ में यदि हमने लोड दिया तो बैटरी का रोल क्या है, 10-20% वो बैटरी डाउन हो सकता है लोड पे, तो वहाँ तक बैटरी को ओके माना जाएगा। 20% यदि बैटरी का वैल्यू कम हो रहा है तो बैटरी को ओके माना जाएगा। बैटरी का वोल्टेज यदि 20% लोड पे कम हो रहा है, 1.76 वोल्टेज पे आ जा रहा है डाउन होकर यदि लोड दे रहे हैं तो उस कंडीशन में वोल्टेज बैटरी को चार्ज माना जाएगा। लेकिन यदि बाय डिफॉल्ट सेटिंग 1.73 पर सेटिंग है, 1.73 पर क्या सेटिंग है, तो 1.76 पर चार्ज माना जाएगा, 1.75 पे चार्ज माना जाएगा, 1.74 पे चार्ज माना जाएगा, ऐसा है। लेकिन 1.73 पे आके इसको डिस्चार्ज माना जाएगा और हाइड्रोलिक कट ऑफ हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो 1.57 पे सेट कर सकते हैं, तो वैसे आउट डाउन होता है तो 1.57 पे आएगा तो कट ऑफ होगा, आप 1.93 पे भी सेटिंग कर सकते हैं तो भी वहाँ पे जाकर कट ऑफ होगा। दोस्तों लगता है कि मैंने आपको समझा पाया हूँ इस वीडियो को। यदि आपके दिमाग में फिर भी कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या फिर कुछ क्वेरी है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर या फिर कुछ दिक्कत है, तो कमेंट अपना हिसाब से आप जरूर करिएगा। दोस्तों आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। जय हिंद जय भारत।